विधायक निधि से बन रही सड़कों पे लग रही है घटिया सामग्री, माल टका रहे हैं ठेकेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात लखनऊ। एक ओर जहां प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा कर रही है और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन राजधानी के जिम्मेदार सरकार की मंशा पर तनिक भी खरे नहीं उतर रहे। हरिलाल, आप जुड़ाई कर रहे हो, मिस्त्री हो, काहे से जुड़ाई हो रही है? डस्ट है। ईंटा कौन सा है, ईंटा किस क्वालिटी का? वो है सीधा खंजड़। सीधा खंजड़ है। अच्छा, ये नाली का निर्माण चल रहा है, ये पूरा निर्माण डस्टे से हुआ है पूरा? यहाँ पर विधायक निधि से होने वाले निर्माण कार्यों में जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है तथा जिस तरह से सरकार के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, उसे देखते हुए इन निधियों की व्यवस्था बंद करने की ग्रामीणों ने मांग की है। इन दिनों लखनऊ के बक्शी का तालाब क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक योगेश शुक्ला ने अपनी निधि से कई निर्माण कार्यों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए का बजट नई नाली सड़कों के लिए जारी किया था। अमरेंद्र सिंह कुमार। अमरेंद्र जी, एक शिकायत आपने तहसील दिवस में की है घटिया सामग्री को लेकर, किस विभाग से शिकायत है, क्या पूरी शिकायत है? ये विधायक निधि से बन रही है और प्योर घटिया मटेरियल लगा के क्या बनाया जा रहा है? ये सीसी रोडें बन रही हैं, नाली निर्माण हो रहे हैं, जिसमें प्योर डस्ट और बालू अधिक लगा करके गलत तरीके से काम किया जा रहा है। ये जबकि पार्टी इतनी अच्छी छवि है, उसके बावजूद विधायक जी से भी लोगों का विश्वास उठ रहा है, और कहीं ना कहीं जो ये फर्मे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, इनको भी ब्लैकलिस्टेड किया जाए। अच्छा, कहाँ का मामला है ये? एक सुनवा का है और एक है सरसवा का मामला, और दोनों जगह पे बहुत धांधली करके काम किया जा रहा है। किस तरह की मांग कर रहे हैं? हम मांग ये कर रहे हैं अच्छा निर्माण हो और लोगों को अच्छी सुविधा मिले। यहाँ के स्थानीय निवासी अमरेंद्र सिंह बताते हैं कि गांव में सड़क तो बनाई जाती है, लेकिन गुणवत्ता इतनी ख़राब है कि एक वर्ष भी नहीं पूरा होता कि सड़क टूट जाती है। मामले की जानकारी के लिए मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन से बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही है।